हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटिक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक बंध के प्रकार। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जो रासायनिक बंध होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, दूसरा होता है आपके सहसोजी बंध और तीसरा होता है उपसहसोजी बंध। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रासायनिक बंध है वो किसे कहते हैं, रासायनिक बंध किसे कहते हैं। तो रासायनिक बंध क्या होता है, एक तरह का आकर्षण बल है। ये क्या है, आकर्षण बल है जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के आपस में बांधे रखता है। देखो मैंने क्या कहा, जैसे आपके पास में हाइड्रोजन अणु है, ये आपके पास में हाइड्रोजन अणु है, तो हाइड्रोजन अणु के अंदर दो परमाणु है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये आपस में आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसके अंदर जो आकर्षण बल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध का सिंपल सा मतलब आपको ध्यान रखना है, आकर्षण बल क्या होता है, इसका मतलब आकर्षण बल। तो कभी इसकी परिभाषा पूछ ले तो आपको यह बताना है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बंध के प्रकार के, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रासायनिक बंध होते हैं वो मेन रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें जो हमारा सबसे पहला प्रकार है वो है आयनिक बंध। जो हमारा सबसे पहला प्रकार है वो है हमारे आयनिक बंध, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है हमारे विद्युत संयोजी बंध। इंग्लिश में इनको आयनिक बॉन्ड और इनको इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी आप डेफिनेशन समझ लो और उसके बाद में हम इसको पूरा समझेंगे। तो पहले मैं इसकी आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो यहां पर मैंने आयनिक बंध की परिभाषा लिखी है, वो है हमारे कि किन्हीं परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। अब देखो कैसे इसको समझ सकते हैं, एक ये जो बंध क्यों बनते हैं, ये बंध इसलिए बनाते हैं कोई भी परमाणु के मध्य जो बंध बनता है वो क्यों बनता है। तो इसके लिए एक नियम है, अष्टक का नियम। कौन सा नियम है, अष्टक का नियम, अष्टक नियम। वैसे ये हमको शुरू में पढ़ना चाहिए था लेकिन मैं इसको बीच में बता रहा हूं, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है कि कोई भी परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो अष्टक का नियम क्या कहता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी होता है। इसी नियम के कारण ये जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। तो देखो मैं यहां इसको समझाने के लिए, ये ए और ये बी कोई दो परमाणु है। ठीक है, मैंने माना कि इसके बाह्यतम कोश के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अभी मैंने आपको अष्टक का नियम बताया कि अगर इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, यदि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थायी होंगे। तो देखो अगर इसके बाह्यतम कोश में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दें। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो होता क्या है, ये क्या करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास में कितने बचे, 8 बचे। और इसने अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले इसके पास में ना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसके पास में 8 रह गए। इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके पास में 8 हो गए। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, और इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, ए बॉन्ड बी। और ये बंध बनाना, इस बंध को हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। बाह्यतम कोश में अगर ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो, अब यहां पर क्या हुआ, देखो इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन थे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। इसने तो इलेक्ट्रॉन दान दिए, ये तो दाता है और ये क्या है, ग्राही है, ग्रहण करने वाला।
तो जो देता है उस पर प्लस चार्ज और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज, इससे ही बंध बनता है ए बी, ठीक है, और इसे आयनिक बंध कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक और नाम लिखा विद्युत संयोजी बंध, इसीलिए विद्युत संयोजी बंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस, ये क्या है, ये आवेशी तो है, तो इन आवेशों के कारण इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके आयनिक बंध और विद्युत संयोजी बंध। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आयनिक बंध होता है वो किन किन के मध्य बनता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किन किन के मध्य बनता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर आयनिक बंध, अभी आपने देखा कि इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन दान देता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन दान देता है, इलेक्ट्रॉन का एक तो दान देता है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दान कौन करता है, इलेक्ट्रॉन दान कौन करता है, तो आपको पता है जो भी धातु होती है, धातु है, धातु विद्युत धनी होती है, ये इलेक्ट्रॉनों का दान करती है, और जितने भी अधातु होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन किन के बीच में आयनिक बंध बनता है, तो आप बताना धातु और अधातु के मध्य, धातु और अधातु के मध्य कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, धातु धातु मध्य आयनिक बंध बनता है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे होता है, इसको मैं रब कर देता हूं ना, तो हम मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो बुक के अंदर वो ही ज्यादातर मिलता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का। देखो ये आपके सोडियम है और ये इधर आपके मैं लिख रहा हूं क्लोरीन, ठीक है। आपको पता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 होता है, और जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7 होता है, यही होता है आपको पता है। तो इसके अगर बाथिन कोष में बात करें तो जो 12 इलेक्ट्रॉन है ये बाथिन कोष में पाया जाता है, ये आपको पता है। तो बाथिन कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। इसके बाथिन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन बता दिया। इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाया जाता है, LDS फ्लूइड डॉट संरचना आपने पढ़ी हुई है ना। तो ये आपके हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सोडियम को अगर स्थाई होना है, अगर इसके बाथिन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब दान देते हैं, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जावे, तो इसके बाथिन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाथिन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर क्लोरीन के बाथिन कोष में एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है इनसे, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाथिन कोष में, तो ये भी इसका स्टेप क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर तो इसके बाथिन कोष में एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर सकता है, और यहाँ पर इसके बाथिन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इससे अच्छा तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो जिसमें ज्यादा फायदा है। तब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर इसको डोनेट कर देता है, सोडियम क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को। तो देखो क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया इसलिए इसके ऊपर प्लस 1 आ जाता है, और अब ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दान कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 और 8 ही बचा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दान कर दिया इसको। और क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन के इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने वो ग्रहण कर लिया, तो 8 हो गए। तो इसके बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8 और 8, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इसलिए इसको प्रॉपर चार्ज आएगा -1। अब देखो प्लस और माइनस वन मिलकर बॉन्ड बनाएंगे आपके NaCl, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो NaCl। ये जो बंध बनाना इसे आप क्या कहते हो, आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बंध। आया समझ में, एक बार वापिस समझते हैं। सोडियम के बाथिन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाथिन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसके बाथिन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 बचेंगे, और अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो इसके बाथिन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर दिया, इसको हम इस तरह से और भी बता सकता हूँ, ये सोडियम इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, अब इसके ऊपर बाथिन कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसको फिर माइनस चार्ज, लेकिन इसके पास में इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 इलेक्ट्रॉन,
ये सात इलेक्ट्रॉन जिसके पास में पहले थे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें और गणना के लिए जिसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम इस संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके आयनिक बंध बनता है। हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आप नोट कर लो इसे। अब जो हमारा सेकंड प्रकार है, सेकंड इसके एग्जांपल है, वो देखते हैं। जैसे आपके पास में कैल्शियम और फ्लोरीन है, कैल्शियम और फ्लोरीन है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो इसके बाद में कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 8, 8, 2। इसके बाद में कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8, 8, 2, है ना। फ्लोरीन की बात करते तो फ्लोरीन के बाद में कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 7। इसके बाद में कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कैल्शियम के बाद में कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसके बाद में कोष में कितने हैं, 7 है। तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे यानी दान दे दे, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, ये उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, तो इनका अष्टक कौन हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि जैसे मैं इसको डॉट से संरचना से बताता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दर्शक इसके बाद में कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो इसके अंदर होगी क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन ये एक और इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर फ्लोरीन एक नहीं होगी, फ्लोरीन यहाँ पर हमें 2 लेने पड़ेंगे। कितने फ्लोरीन लेने पड़ेंगे, 2 फ्लोरीन। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा इस जगह पर, ये वाला इस जगह पर। तो टोटल आपके पास में कितने बन जाएगी, देखो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैल्शियम के ऊपर +2 आ जाएगा, और फ्लोरीन कितना है, 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने 2 है, तो फ्लोरीन 2 आ जाएंगे, और इसके ऊपर इसने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर भी -1, इस पर भी -1, तो -2। और ये दोनों बॉन्ड किससे बनाएंगे, CaF2। इस तरह से इनके मध्य क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर और भी एग्जांपल होंगे, आप उनको भी ट्राई करना, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा दूसरा प्रकार है बंध का, वो है सहसंयोजी बंध, जिसे हम इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, पिछले वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ये होता है सहसंयोजी बंध, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूँ फिर इसको समझाऊंगा। किसी परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, शेयरिंग से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखो कैसे है, जैसे मैं ले रहा हूं क्लोरीन का एग्जांपल, मेरे पास में क्लोरीन के कितने अणु है, 2 अणु है, सॉरी क्लोरीन अणु है जिसके अंदर 2 परमाणु ClCl है, ये एक क्लोरीन ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद में कोष में भी 7 ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में कोष में भी 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। देखो सर, इसके बाद में कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में कोष में भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने स्ट्रक का नियम पढ़ा कि अगर इनके बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या होगा, स्थाई हो जाएगा। तो देखो अब उस जो हमने पिछला वाला बॉन्ड पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, उसके अंदर तो हम क्या कर रहे थे, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को पूरा इधर डोनेट कर रहे थे, तो इसके भी पास में 8 हो रहे थे, इसके भी पास में 8 हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में दे देते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया। तो आप देख पा रहे हो इसके पास में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये टिप एक डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन ही है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास में कितने, 2, 2, 4, 2, 6 है, इसके पास में तो 8 हो गया, इसका स्टेक तो पूर्ण हो गया, लेकिन इसका स्टेक पूर्ण नहीं हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा। अगर हो रहा है तो देखो इसके पास में 8 ही और इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की भैया आदान प्रदान तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। तो फिर जो दूसरे तरह का बंध आया वो आया सहसंयोजी बंध, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आदान प्रदान नहीं होता, वो शेयरिंग होता है। मतलब ये वाला जो क्लोरीन कहता है कि भाई मेरा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा तू रख ले, थोड़ा मैं रखूंगा, और ये वाला भी कहता है भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ये तू रख ले और ये मैं रखूंगा। कैसे, जो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां से हटके थोड़े से यहां पर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करके थोड़ा सा यहां पर आ जाता है,
ठीक है। अब देखो कैसे है, ये आपने उसे पढ़ रखी होगी लुईस रचना के अंदर, इस तरह से मतलब ये क्लोरीन क्या करता है, इस क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ में जुड़ जाता है, पूरा नहीं जुड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसपे इसका भी अधिकार हो गया, इसपे इसका भी अधिकार हो गया, इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अधिकार, इसका भी अधिकार, दोनों का अधिकार हो गया। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, देखो अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, साझेदारी हुई। वापिस एक बार सही बनाकर बता देता हूं, मतलब समझने, इसमें समझने लायक बात क्या है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके पास में भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं, और इसी को हम बॉन्ड के रूप में कैसे दर्शाते हैं, फिर ऐसे दर्शाते हैं, ये इनके बीच में इस तरह से एक बॉन्ड लगा देते हैं, ये बॉन्ड बन जाता है। तो इससे कॉन्सेप्ट पता चलता है कि एक बॉन्ड है, जैसे ये बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक बंद के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ध्यान रखना, एक बंद के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार हम और समझते हैं, देखो जैसे अब हम लेते हैं ऑक्सीजन, अब हम कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन का, जैसे ये दो ऑक्सीजन है, समझना ये एक ऑक्सीजन, ये चलो ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन है ना, बोले बोले दिख रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह। देखो इसको मैं बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, और ये पांच इलेक्ट्रॉन, और ये छह इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में कोष में भी छह होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन और छह इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, हो गए छह इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो मैं इनको थोड़ा सा सही बनाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो देखो अब आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या, अगर मैं इस तरह से यूं करता हूं, अगर मैं इस तरह से यूं करता हूं इनको, आठ इलेक्ट्रॉन हो रहे क्या इस ऑक्सीजन के पास में, क्यों आठ इलेक्ट्रॉन हो रहे क्या, एक दो तीन चार पांच छह सात, इसके पास में सात इलेक्ट्रॉन हो रहे, इसके पास में एक दो तीन चार पांच छह सात, सात इलेक्ट्रॉन हो रहे, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब होता है क्या, यहां से ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा। अब आप देखो इनके पास में आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दो दो चार दो छह दो आठ, इसके पास में आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी बात करते तो दो दो चार दो छह दो आठ, इसके पास में भी आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको ध्यान क्या रखना है, शेष होगी बंद के अंदर की इलेक्ट्रॉन इसके भी है और इसके भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके भी है, इसके भी है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इनके बीच में क्या बन जाता है, बंद बन जाता है इस तरह से। तो आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इसलिए आप कहते हो कि इसके बीच में कौन सा बंद पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य कितना बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये शेष बचे इलेक्ट्रॉन में ये दर्शा रहा हूं। तो यहां से आपके कॉन्सेप्ट आता है, आप बोलते हो दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हो, एक तो आप बोलते हो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग में, और एक आप बोलते हो अबंधित है, या इसका एक और दूसरा फेमस नाम है एकांकी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में, है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में। अब देखो बंधित इलेक्ट्रॉन युग में का मतलब क्या होता है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और अबंधित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। जैसे देखो अगर मैं यहां पर बात करूं इस वाले के अंदर, तो यहां पर बंद, ये देखो यहां पर ये बंद बना और यहां पर ये दो बंद बने, तो बंद बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर देखो ये दो इलेक्ट्रॉन भाग लिए। तो यहां पर बात करूं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, केवल एक है, कितना, एक है बॉन्ड पेयर, एक मतलब कितने बंद है, एक बंद है। और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर, लोन पेयर मतलब एकांकी युग्म है, तो लोन पेयर कितने हैं, देखो जितने भी शेष इलेक्ट्रॉन बचे हुए गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन युग्म, सॉरी इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना, इलेक्ट्रॉन युग्म को गिनना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर कितनों के, छह हो गए। इसके अंदर बात करें बॉन्ड पेयर की, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की, इसकी इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर,
और इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक दो। बॉन्ड पेयर कितने इसके अंदर? दो। और लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर लोन पेयर है एक दो तीन चार। तो इसके अंदर लोन पेयर कितने आते हैं आपके? चार आते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए शेष सहजीव बंद। इसके अंदर और भी अगर आप जैसे और भी कर सकते हो, एग्जाम्पल करते हैं हम HCl का। HCl देखो, HCl अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ये आपके पास में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कोष में इलेक्ट्रॉन होता है कितना? एक। तो इसके बाद में कोष में ये इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करें, ये आपकी क्लोरीन, इसके बाद में कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सात होते हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात। तो देखो हाइड्रोजन की संयोजकता, इसके बाद में कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो। और इसके बाद में कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आठ होने चाहिए। तो देखो ये इसके साथ में बंद बना सकता है और ये इसके साथ में। तो हाइड्रोजन के बाद में कोष में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और क्लोरीन के बाद में कोष में कितने? दो दो चार दो छह दो आठ। याद रखना हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के बाद में कोष में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लोरीन के बाद में कोष में तो आठ ही आएंगे। तो ये एक इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए आप इसको इस तरह से दर्शाते हो और ये बोलते हो कि इसके मध्य सहसहजीव बंध बना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी से सहसहजीव बंध के अंदर से कॉन्सेप्ट आता है संपरमाणु, सम परमाणु अणु, और एक आता आपके विषम परमाणु अणु। सम परमाणु और विषम परमाणु अणु, ये आपके दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, सम परमाणु अणु और विषम परमाणु अणु। सम परमाणु यानी जिनमें परमाणु समान हो, जैसे H2 Cl2 O2 N2 इस तरह से। विषम परमाणु जिसके अंदर अणु अलग अलग, जैसे अभी अपने किया HCl NH3 PCl3, ये इस तरह से इनके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सहसहजीव बंध। सहसहजीव बंध का सिंपल सा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ये इस तरह से साझेदारी होती है। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड बॉन्ड है, थर्ड प्रकार का जो बंध है वो है उप सहसहजीव बंध। तो उसको भी हम समझते हैं। अब जो हमारा तीसरा बंध है वो है उप सहसहजीव बंध। ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड भी है और इसको पढ़ते तो पूरा चैप्टर बना हुआ है 12th क्लास के अंदर, पढ़ेंगे हम उसको भी डिटेल में। पहले इसमें थोड़ा सा नॉर्मल समझ लेते हैं। तो उप सहसहजीव बंध क्या होते हैं? तो अभी तक जो हमने पिछले दो बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उनके अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था। और सहसहजीव बंध के अंदर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी होती है, दोनों ही होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसका नाम ही उप सहसहजीव बंध है। देखो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, इसको आसानी से समझ लेता हूं, है ना। तो देखो उप सहसहजीव बंध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन युग्मों, वे लिखो या लिखो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बना बंध उप सहसहजीव बंध कहलाता है। इसे तीर के निशान से दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी, इलेक्ट्रॉन युग्मों को, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे। पिछले वाले दोनों बॉन्डों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या आदान प्रदान या साझेदारी से बना बंध उप सहसहजीव बंध कहलाता है। इसे तीर के निशान से दर्शाया जाता है, ऐसा तीर का निशान, मतलब इस बंध को पहचानने की यही खासियत है कि इसके अंदर एक तीर का निशान ऐसे बना होता है। जिसके अंदर उप सहसहजीव बंध बना होगा उसके अंदर ऐसा तीर का निशान देते हैं। ठीक है, हालांकि अब तो जैसा आप जब 12th क्लास के अंदर ये आगे पढ़ोगे तो तब उप सहसहजीव बंध को ऐसे नहीं दर्शाया जाता, नॉर्मली उसको इस तरह से दर्शाया जाने लग गया है। तो फिर भी अभी ध्यान रखना है कि इसको तीर के निशान से ऐसे दर्शाया जाता है। इसके अंदर होता क्या है इसको हम समझते, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में O3 है, O3 को बोले तो क्या है? ओजोन है। ठीक, अब हम इसको देखो बनाकर बताते हैं कि इसका स्टैक हो रहा पूरा या नहीं हो रहा। तो देखो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, सबके बाद में कोष में छह छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं छह छह इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन और छह इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में कोष में छह इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन और छह इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना लो। इसके अंदर भी छह इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन और
छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके भी छह इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो पहले हम इन दोनों ऑक्सीजन की बात करते हैं, इनका स्टक पूरा कैसे होगा। तो अभी तो हमने ऑक्सीजन वाला किया था, क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर आ जाएंगे और क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखो इनका स्टक पूरा हो रहा है, अब इन दोनों की बात की हमने, भले आप इन दोनों को भी कर सकते थे या इन दोनों को कर सकते थे ना। इलेक्ट्रॉन गिन लो, दो दो चार दो छह दो आठ इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह दो आठ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में तो आठ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। अब हम बात करते हैं इस भाई साहब की, ये भाई साहब क्या हुआ। अब देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो चार पांच छह इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब देखो ये तो अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता, ऐसे अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर इसका इसके पास में आठ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है ना। अगर मान लो कि आप क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दें, ये ऐसे दे दिए, तो फिर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन, इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो दो इलेक्ट्रॉनों को दान तो नहीं दे सकता। फिर आप बोले कि साझेदारी कर ले, ठीक है भाई साझेदारी करा देते हैं। साझेदारी में क्या होगा, ये इसके साथ में और ये भाई इसके साथ में आ जाएंगे, ठीक यही होगा साझेदारी होगी। लेकिन साझेदारी होती है तो इसके तो भाई साहब की पूरा मजा आ गया कि इसके आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसका मामला बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया वो देखो, अब इसकी साझेदारी होगी तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से बढ़ेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनो, आठ बाथरूम कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके गिनना कितने हो रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, इसके बाद में कोश में भैया दस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस बीच वाला का तो मामला खराब हो गया। तो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और ना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब यहाँ पर करें क्या, तो यहाँ पर करने के लिए क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके पास में ये इसके दो इलेक्ट्रॉन और ये इस तरह था, ठीक है, ये तो भैया इसका मामला एकदम सेट था इन दोनों का। लेकिन यहाँ पर जो वैसा ऑक्सीजन बचे हैं, ये ऑक्सीजन इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, छह इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच और ये छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इनको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो होता क्या है कि ये जो वाले इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को इनको दे देता है, थोड़ा सा इसको दूर मारना पड़ेगा, ठीक है, छह इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इनको इस तरह से डोनेट करता है, पूरा दान नहीं दे रहा है, इसने दो इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको नहीं दे दिया, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर इनको दे नहीं दिया, इनकी क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है कि भैया ये दो इलेक्ट्रॉन तेरे पास में भी रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास में भी रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहां से इस तरह से बॉन्ड बढ़ जाता है। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो दो चार पांच छह सात आठ, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इस तरह की जो साझेदारी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, उपसहयोजी बंध बनता है। तो अब इसको हम दर्शाते कैसे हैं, भाई इन दोनों के बीच में तो डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, और इनके बीच में जो बंध बना ये है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहे, इसको इसको तीर के निशान से दर्शाया जाता है, किसके निशान से दर्शाया जाता है, तीर के निशान से, कि इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बना, उपसहयोजी बंध बना। इलेक्ट्रॉन बनाए तो इसके पास में एक दो तीन चार, इसके पास में एक दो और इसके पास में छह इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की, यहां पर आप देखना एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है ना, ध्यान रखना दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, उपसहयोजी बंध बोलते हैं। अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है जो एक बुक के अंदर मिलते ही मिलता है, वो है NH3 और BF3 वाला। देखो एक है आपके NH3 और प्लस एक आपके BF3, तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं कैसे बनाते, देखो NH3 की बात करते हैं, ये इसके पास में दो एकांकी युग्म है, इसके नाइट्रोजन की बात में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच होते हैं ना, कितने होते हैं, पांच। तो देखो दो तो ये है, तीसरा चौथा पांचवा, और इनके साथ में तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन
इससे हाइड्रोजन और इससे हाइड्रोजन। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करानी, बी एफ थ्री के साथ में। तो बी एफ थ्री का होगा ये एफ, ये एफ और ये एफ, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें नाइट्रोजन की, देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, एक दो, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, छह सात आठ, इसके तो आठ पूरे हो रहे हैं, स्टेप पूरा हो रहा है। लेकिन इसकी बात करें बोरोन की, तो इसके दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते, दो इलेक्ट्रॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसमें छह इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो फिर इसमें कमी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसको देते नहीं है, इसमें साझेदारी कर लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन की, साझेदारी करते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन तेरे पास में भी है, ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की, इसलिए इसको तीर के निशान से दर्शा दिया। अब इसको और अच्छी तरह से मनो मैं, तो देखो ये बी, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन, ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख दिया, ये भी दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब देखो इनका स्टेप पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। नाइट्रोजन की बात करते तो देखो ये नाइट्रोजन के एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पूरे हो रहे, और इसकी बात करते तो बोरोन के देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो इस तरह से इनका मध्य जो बंध बनता है ना, क्योंकि दोनों, एक तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म जा रहे, पूरे दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर इसको हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। तो ये होता है आपके उपसहसोजी बंध। तो मोटे मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बंध बनता है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है सहसोजी बंध, तो सहसोजी बंध के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है, ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान रखना उपसहसोजी बंध, तो इसके अंदर आपको मेन रूप से ध्यान रखना है, एक तो तीर का निशान होता है सबसे पहले तो, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन युग्म जाते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये मेन आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर तो हमने तीन बॉन्ड कर लिए हैं, अब एक और प्रकार का बंध होता है जो मेन होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।